भारत की महान पौराणिक कथाओं का संग्रह। सब्सक्राइब करें भक्ति कथा। प्रतीक्षा का कारण जान सकती हूँ? महारानी उग्रा, आप अपने उग्र रूप को शांत करें। तपस्या जितनी लंबी होगी, वरदान भी उतना ही श्रेष्ठ मिलता है। मैं आपको वरदान देने के लिए ही प्रकट हुआ हूँ। मांगिए, आप अपना वरदान मांगिए। सूर्यदेव, तपस्या काल में मैंने एक महान पराक्रमी विराट पुत्र की कामना की थी, जो अपनी शक्ति से तीनों लोकों का सम्राट बन जाए। मैं आपको पुत्र का वरदान तो दे सकता हूँ महारानी, वो शक्तिशाली और विराट भी होगा, परंतु मेरे वरदान से वो तीनों लोकों का स्वामी नहीं बन सकता। अर्थात किसी को तीनों लोकों का स्वामी बनाने की शक्ति आपके भीतर नहीं है? आप मेरा अपमान कर रही हैं महारानी उग्रा। आप जैसे निष्ठुर और शक्तिहीन अपमान के ही योग्य हैं। यदि आप मुझे मनवांछित वरदान नहीं दे सकते तो आप प्रकट ही क्यों हुए? आपने मेरा समय नष्ट क्यों किया? पहले ही कह देते, मैं आपकी तपस्या करती ही नहीं। सूर्यदेव, अपने आराध्य का अपमान और निरादर करके तुमने अपने सर्वनाश को निमंत्रण दिया है महारानी उग्रा। इसका परिणाम तुम्हें भुगतना ही होगा। निरादर सहने के लिए नहीं हुआ है। सूर्यदेव, मैं आपको कलंकित करने के लिए आपकी तपस्या के प्रतिफल रूपी इस विष का अभी त्याग कर दूंगी। महारानी उग्रा, पहचानो मुझे। मैं तुम्हारा वही पुत्र हूं जिसको जन्म देते ही तुमने त्याग दिया था। यदि तुम मुझे माँ की ममता और स्नेह प्रदान करती तो मेरा अग्निमय रूप शांत हो जाता, परंतु तुमने मुझे समुद्र में फेंक कर अपने मातृत्व को लांछित कर दिया है। महारानी उग्रा, कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात कभी लौट कर नहीं आती। तुमने मुझे त्याग दिया है, अब मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हो सकता। नहीं नहीं पुत्र नहीं,
तुम्हें लौट कर आना होगा, अपनी माता की भूल को क्षमा कर देना होगा। असंभव महारानी उग्रा, असंभव। सूर्य देव के वरदान से जन्मा निराग्निमय सात्विक शरीर सागर के जल का स्पर्श पाते ही दैत्य ज्योति में दीक्षित हो गया है। अब उसका तुम्हारे पास लौटना असंभव है। असंभव है महारानी उग्रा, असंभव है। क्या तू अपनी माता को दंडित करना चाहता है? जब तुमने मुझे त्याग कर मुझे दंडित किया था, तब तुम्हारे मन में ये प्रश्न क्यों नहीं उपजा? महारानी उग्रा, मुझसे भूल हो गई पुत्र। माता कभी भूल नहीं करती, माता कभी कुमाता भी नहीं होती, परंतु तुमने माता शब्द की मर्यादा को तोड़ डाला है। तुम्हारे जैसी स्त्री को मैं कदापि अपनी माता स्वीकार नहीं कर सकता। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। नहीं पुत्र, नहीं, इतना कठोर मत बन। अपनी माता को क्षमा कर दे पुत्र, क्षमा कर दे। कौन माता, किसकी माता? ना तू मेरी माता, ना मैं तेरा पुत्र। अब तो मैं सिंधु का स्पर्श पाकर स्वयं सिंधु बन गया हूँ। मेरा नाम है सिंधु दैत्य, असुरों का अधिपति, असुरों का सम्राट, राक्षसों का राजा, सिंधु दैत्य। देव गुरु, ये किस दैत्य के अट्टहास के स्वर हैं? देवराज, ये अट्टहास का स्वर महापराक्रमी दैत्य सिंधु का है। महापराक्रमी दैत्य सिंधु? देवगुरु, किंतु ये अचानक कैसे प्रकट हो गया? देवराज, दैत्य सिंधु दैत्य महारानी उग्रा की उग्र तपस्या का परिणाम। उग्रा की तपस्या, अर्थात? नारायण नारायण। देवराज इंद्र, महारानी उग्रा ने अपने आराध्य भगवान सूर्य की तपस्या के समय भगवान सूर्य देव का अपमान किया था। उसी से क्रोधित होकर सूर्य देव ने इसे अग्नि में पुत्र प्रदान करके दंडित किया है। इस विशालकाय दैत्य को देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि ये सूर्य देव द्वारा दंडित हैं। आपका अनुमान सत्य है देवराज। सूर्य देव ने इसे अग्निमय रूप प्रदान किया, परंतु माता उग्रा की घोर तपस्या के कारण सिंधु के जल का स्पर्श पाते ही यह भयानक दैत्य का शरीर पाने में सफल हो गया। तब तो ये हमारे स्वर्ग पर भी आक्रमण कर सकता है। देवराज, इस समय ये विशाल शरीरधारी अवश्य है, परंतु इतने शक्ति संपन्न भी नहीं है कि दैत्य सेना को प्रकट कर स्वर्ग पर आक्रमण कर सके। नारायण नारायण। सिंधु दैत्य को स्वर्ग पर आक्रमण करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए अपनी माता के समान ही सूर्य देव की आराधना करनी होगी। मेरी तो समझ में नहीं आता कि इन दैत्यों को साधना आराधना और तपस्या करने की आज्ञा ही क्यों दी जाती है। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, ये प्रश्न करके आप संसार की व्यवस्था पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, जो आपके हित में ना होगा। आप सत्य कह रहे हैं देवऋषि। किसी भी दैत्य या असुर को देखकर मैं स्वयं पर संयम नहीं रख पाता। ऐसा परामर्श दे जो मेरे हित में हो। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, सूर्य देव आपके भाई हैं। आप उनसे जाकर कहें कि तपस्या करने पर भी वे सिंधु दैत्य को वरदान ना दें। आपका परामर्श उचित है देवऋषि। मैं अपने अनुज सूर्य को विवश कर दूंगा कि वो उस दुष्ट को वरदान ही ना देने चाहे। प्रणाम। गुरुदेव, क्या भगवान सूर्यदेव देवराज इंद्र की बात मानेंगे? यह प्रश्न कठिन है नारद, इसका उत्तर तो समय ही देगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः भगवान भोलेनाथ की जय। महादेव, हिमालय राज ने माता पार्वती और भैया कुमार कार्तिकेय
तथा श्री गणेश को वहीं रोक लिया है। नंदी महाराज, आपकी सहमति के बिना तो हिमालय राज ने आपको नहीं रोका होगा। महादेव, उन सब का स्नेह देखकर मुझे सहमति देनी ही पड़ी। मुझे क्षमा करें भोलेनाथ। ओम महागणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम मयूरेश्वराय नमः। नारायण नारायण। हे भोलेनाथ, महारानी उग्रा की उग्र तपस्या के कारण सूर्य के वरदान और दंड स्वरूप जन्मे सिंधु दैत्य ने भयानक रूप धारण कर लिया है। हे भोलेनाथ, मुझे लगता है कि ये सिंधु दैत्य इस संसार में उथल पुथल मचा देगा। ऐसा अनर्थ ना करो देव ऋषि, महादेव की समाधि में बाधा डालना आपके हित में नहीं होगा। जो आज्ञा मयूरेश्वर। ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं इस संसार का सबसे पराक्रमी दैत्य सम्राट हूँ। मैं अपनी शक्ति से सबको मच डालूंगा। जो भी मेरा विरोध करेगा मैं उसे तिनके के समान मसल डालूंगा। तुम्हारे पराक्रम पर मुझे तनिक भी संदेह नहीं है सिंधु दैत्य, परंतु इस प्रकार अपने पराक्रम का दुरुपयोग न करो, इसका परिणाम तुम्हारे हित में न होगा। महापराक्रमी सिंधु दैत्य को परिणाम का भय दिखाने वाले कौन हो तुम? क्या तुम्हें अपना जीवन प्रिय नहीं? सिंधु दैत्य का क्रोध तेरे जीवन का अंत कर सकता है मूर्ख। सावधान सिंधु दैत्य, तुम ये मत भूलो कि इस समय तुम दैत्य गुरु शुक्राचार्य के समक्ष खड़े हो। एक दैत्य होने के कारण मेरा आदर करना तुम्हारा कर्तव्य है। कौन गुरु, किसका गुरु? ना कोई मेरा गुरु, ना मैं किसी का शिष्य। दैत्य, असुर और राक्षस जाति में जन्म लेने वाला हर प्राणी मेरा शिष्य होता। तनिक स्वयं को देख और मुझे देख। जब तू मेरे समान ही नहीं तो मेरा गुरु कैसे बन सकता है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः। तुम्हारी मूर्खता को संतुष्ट करने के लिए मुझे अपनी चमत्कारी सिद्धियों का प्रयोग करना पड़ा। अपने हट और अभिमान को त्याग कर मेरी बात ध्यान से सुनो सिंधु दैत्य। तुम्हारी बात सुनने से पहले मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि तुमने मुझे सही उत्तर दिया तो मैं तुम्हारी बात सुनने पर विचार करूंगा। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? एक सामान्य स्त्री के गर्भ से जन्म लेने पर भी मुझे अग्निमय शरीर क्यों प्राप्त हुआ? सागर का स्पर्श होते ही मेरे भीतर दैत्य भाव क्यों जन्म लेने लगे? सिंधु, तुम्हारी माता उग्रा ने सूर्य देव की आराधना करते हुए तुम्हारे इसी विराट रूप की कल्पना की थी, परंतु कहते हुए तुम रुक क्यों गए? क्या इससे अधिक तुम नहीं जानते? क्या इसी अज्ञान के साथ तुम महापराक्रमी सिंधु दैत्य के गुरु बनना चाहते हो? मूर्खतापूर्ण बातें करके मेरा समय नष्ट न करो सिंधु। तो बताओ मुझे अग्निमय शरीर क्यों प्राप्त हुआ? जब सूर्य देव तुम्हारी माता की कठोर तपस्या को वरदान देने पहुंचे तो उग्रा ने उनसे अपने होने वाले पुत्र के लिए तीनों लोकों का साम्राज्य मांग लिया। यह वरदान देना सूर्य देव को स्वीकार नहीं था। उनके अस्वीकार करने पर तुम्हारी माँ ने उनका अपमान कर दिया। क्रोधित सूर्य देव के क्रोध के कारण तुम्हें अग्निमय शरीर प्राप्त हुआ। अग्निमय शरीर में सागर जल का स्पर्श होते ही परिवर्तन क्यों हुआ? तुम्हारी माता की तपस्या के प्रभाव से तुम्हें विराट काय और पराक्रमी होने की शक्ति प्राप्त हुई। सागर के शीतल जल का स्पर्श मिलते ही
सूर्यदेव का क्रोध शांत हो गया और तुम विशालकाय दैत्य बन गए। मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लेता हूँ, कहो क्या कहना चाहते हो? मेरी बात ध्यान से सुनो सिंधु दैत्य, यदि तुम संसार के सबसे श्रेष्ठ और शक्तिशाली दैत्य बनना चाहते हो तो हम दैत्यों के आराध्य भगवान शिव की आराधना करो। नहीं नहीं शुक्राचार्य, शिव आराधना का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मैं भगवान सूर्यदेव की आराधना करूंगा, सूर्यदेव को प्रसन्न करके मैं उनसे विश्व विजय और सर्वशक्तिमान होने का वरदान प्राप्त करूंगा। जो महारानी उग्रा ना प्राप्त कर सकी मैं उसे अवश्य प्राप्त करूंगा। सावधान सिंधु दैत्य, मेरा परामर्श ठुकरा कर तुम अपने सर्वनाश की भूमिका रच रहे हो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य का परामर्श मानने में ही तुम्हारा कल्याण है। सिंधु दैत्य का कल्याण उसकी पराक्रमी भुजाओं में छुपा हुआ है। तुम्हें जो कहना था तुम कह चुके और मुझे जो सुनना था मैं सुन चुका। अब एक क्षण का विलंब किए बिना जैसे आए थे वैसे ही अदृश्य हो जाओ। अहंकारी सिंधु दैत्य, अपने गुरु की आज्ञा को न मानकर तूने अपना सर्वनाश सुनिश्चित कर लिया है। तू सूर्य देव को प्रसन्न करके कितना भी बड़ा वरदान क्यों न ले ले, तेरा अंत निश्चित है। तू दुनिया की सर्वोच्च शक्ति के द्वारा मारा जाएगा। अपना लिया हुआ निर्णय सिंधु दैत्य किसी भी मूल्य पर बदल नहीं सकता, किंतु तुम उस सर्वोच्च शक्ति को अवश्य सावधान कर देना, कहीं ये महापराक्रमी सिंधु दैत्य उनके लिए संकट ना बन जाए। Ha 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 ha